Assalamu alaikum and hello people, what's up? Welcome back to Ashok Kadak Reaction. I'm Shaviz. Remember Ishtay Nasib? Yeah. Ishtay Nasib ke baad, bahut sare logo ne hame suggest kiya ki what's the best scenes of Ishtay Nasib. One of the most suggested is who is Shakra. Yumna Zaidi hai isme. Ishtay Nasib ki ek scene hai, jo ki 3 minute ki. Ishtay Nasib. I have a problem with Pakistan's ki jo English jo translate karte hai ye. Isse mujhe pakka problem hai bhai. Ishtay Nasib ki मतलब ज़हन नसीब अगर आप देखें इंडिया में जो ज़हन नसीब वो जो गाना आया था ना उसकी जो स्पेलिंग थी वो सही स्पेलिंग थी और यहाँ पे ज़ाहे आता है। हाँ और यहाँ पे हाइफ़न देके ई देके हाइफ़न मुग़ले आज़म ऐसे लिखते हैं हम क्या कि ऐसे क्या कि ऐसे ऐसे कुछ ऐसा ई जाता है वहाँ पर और ज़हन नसीब की जो यहाँ पर लिखी थी ZEH हाइफ़न hyphen was not hyphen there. E नहीं नहीं hyphen था जे E hyphen NAS double E ऐसा होता है यहाँ पे actually सब कुछ सही है ये ज़ाहे नसीब है ये ज़हन नसीब है ज़हे आता recently है recently I did that mistake जब मैंने thesis का मैंने जब ये बनाया तो मैंने अपने thumbnail में मैंने वही spelling डाली इश्क ज़ह ZEH ज़हे नसीब डाला मैंने because वही correct spelling थी उसके बाद जब मैं इसका title बना रहा था तो उसके बाद इसके drama में था इश्क ज़हे नसीब so मैंने उठा के डाला मेरे पास वक्त नहीं था कि उसमें जाके मैं thumbnail में change करूँ ज़हे नसीब तो word है नहीं तो मतलब ज़हे नसीब word है तो ज़हे लिखने का क्या मतलब है मुझे नहीं तो in fact ऐसे बहुत ऐसा भी नहीं कि यार क्यों इंग्लिश वहाँ की इंग्लिश में डिफरेंस है नहीं है ऐसा आई हैव सीन लॉट बहुत देर तक देख ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि गलत लिखे आते हैं पता नहीं कौन लिखते हैं और क्या होता है इनके क्या थॉट है उसके क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे मुझे नहीं पता बट ये गलत है उतना तो बोल सकता हूँ कि कम्प्लीटली गलत जो उन्होंने लिखा है यहाँ पे रिएक्शन उसके बाद इसके बारे बात करते हैं उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बीच में बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट कैन फॉलो द इंस्टाग्राम इसके लिए डिटेल सबने दिए हैं कंप्लेंट हम उनसे करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं सही है क्या ये वेस्ट ये क्या है इट्स द बेस्ट सीन मतलब कि वो शाकरा मतलब कि को वो कैरेक्टर क्या है वो शाकरा अच्छा आर की दुनिया देखी है इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है तरह तरह के जानवर होते हैं I think the lady is thinking. आपको मेरी बद्दुआ है जिस तरह का घटिया इल्जाम लगाकर आपने मुझे बर्बाद किया उसी तरह आपको कोई अपना तड़पाएगा जियत देगा तकलीफ देगा तब आपको पता लगेगा किसी पे झूठा इल्जाम लगाने की क्या तकलीफ होती है सबिया बेगम आपको मेरी बद्दुआ है आप कभी खुश नहीं रहेंगी तड़पेंगी अजियत में रहेंगी कभी सुकून नहीं मिलेगा आपको अजियत में रहेंगी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपकी जिंदगी भी इसी तरह बर्बाद होगी भाई जेल में इतना मेकअप मिलता है क्या? She is a natural beauty and it's not seen her naturally. बड़ा डर लग रहा है मुझे. Sorry भाई गलती. नहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं. बड़ा डर लग रहा है भाई. Mm.
कैसे देख रहे थे भाई, वो डर लगा मुझे। सी जितना आप लोगों ने कहा कि इसमें एग्जैक्टली बताया जाएगा कि शाकरा का कैरेक्टर क्या है और वो कैसे समीर को इन्फ्लुएंस करती है, तो एग्जैक्टली वो डिटेल यहाँ पर नहीं है। लेकिन जितना मुझे पता चला है, यू नो वी रिसेंटली रिएक्टेड, उसके बाद हमने सोचा भी आखिर क्यों है, क्यों ये बंदा मतलब कि क्या इसका प्रॉब्लम क्या है। तो जितना मुझे मैसेजेस में और इंस्टाग्राम में आया कि दे हैव गिवन सेड कि देर इज ट्रांसजेंडर और एक दिमागी बीमारी का भी है इसमें। ये जो शाकरा का रोल है एक्चुअली देर इज एक जो बंदा है उसकी दो शादियां हैं, ओके, और दो शादियों से किस बीवी से वो बच्चा है वो उनको पता नहीं। मतलब उसी तरीके से उन्होंने मुझे एक मतलब कि बच्चा होता है लेकिन देर इज सम कन्फ्यूजन देर, मतलब कि आई थिंक रिवील होता है लास्ट में कि किसका बच्चा होगा क्या होगा। द गर्ल इज अ स्टेप मदर और समथिंग लाइक दैट, और वो बच्चे को आई थिंक इन्फ्लुएंस बहुत करती हैं और दूसरे लड़कों से बहुत अलग तरीके से उसे पालती हैं पोसती हैं, और जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होकर वो इस तरीके का जो बर्ताव है उसमें आ जाता है, वो समीर से समीरा बनता है। देर इज सम थिंग एग्जैक्टली, मुझे मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, इट्स बेटर मैं पढ़ लूँ, तो आप मेरी बजाओगे। लेकिन वैसे भी ये तो मेरे सर के ऊपर से बाउंसर गया पूरा जो आपने बोला, मतलब दो बीवियाँ हैं। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड अ गर्ल जिसका रेप समीर के बाप करता है, उसका बेटा होता है, समीर के बाप की एक और वाइफ होती है, जो इस ड्रामे की सस्पेंस अराउंड के समीर किसका बेटा है, शाकिरा का क्या किसी और का था, शाकिरा समीर को मॉलेस्ट करती है बचपन में और उसे मेकअप वगैरह कराती है ताकि वो बाकी मर्दों की तरह ना बने, इसी तरह उसमें एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है समीरा के नाम से। एंड बिकॉज शाकिरा ने बचपन में उसे प्यार दिया था, सो शी ऑलवेज हैव एन उसे हमेशा से इमेजिनरी पर्सनैलिटी ऑफ शाकिरा दिखती है उसे इस ड्रामे का, मतलब कि इट्स टू कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, मुझे भी शाकिरा दिखाई वहाँ पर भी नहीं, जॉब बाद में मिलेंगे जॉब। ये इंडिया के बैंगलोर की शाकिरा है, शाकिरा आप ये जो सिर्फ इनको ही दिखती है, ये जो वाइट कपड़ों में आती है वैसे। अभी मैं थोड़ी देर में मैं शूट खत्म करके मैं जाऊंगा तो शाकिरा इनको आके बगल में मिलेगी। व्हाइट कपड़े क्योंकि अभी समर चल रहा है, बहुत गर्मी है, इसीलिए व्हाइट कपड़े, अदरवाइज वो ब्लैक कलर का उल्टे पैर व्हाइट कपड़े, खुले बाल, आंखों में काजल, होठों से खून, इसी तरीके का डेफिनेशन देते हैं लोग, उससे ज्यादा तो मुझे पता नहीं। वो उल्टे पैर बहुत भागते थे वो बचपन में जब वो, बट यहाँ की शाकिरा नहीं यार, यहाँ की शाकिरा खूबसूरत है, वो कोशिश कर रही है कि हमें डराए लेकिन हमें डर नहीं लग रहा है बिकॉज वो इतनी खूबसूरत है। व्हाट आर यू थिंकिंग? मुझे लगा शाकिरा ने मुझे भी आवाज़ की लेकिन वो मच्छर की आवाज़ थी, देखो ये मच्छर था, मुझे लगा शाकिरा कुछ बोल रही है मुझे। खैर शाकिरा की अगर बात करें जो आपने मुझे समझाया, ये मेरा बाउंसर गया, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में इतना तो पता है कि वेल थॉट कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली, व्हेन यू जिसको हम कहते हैं ना कि जो हम बड़े बनते हैं, मतलब बड़े बन के जो हमारी पर्सनालिटी होती है, इट 90% ऑफ व्हाट वी वेंट थ्रू एज अ चाइल्ड, लाइक एज अ अडोलेंस एज तक, 12 साल की उम्र तक जो तुम्हारे जो तुम देखा, जो आपने देखा, जो व्हाट एवर यू फेल्ट, व्हाट एवर यू वाइब्स यू हैव, दैट इज़ वाई, दैट इज़ व्हाट यू बिकम एज अ मैन व्हेन यू ग्रो अप। मैन का नहीं होता, मैन का वही होता है। सो कंसिडरिंग दैट, जैसे कि आपने बोला कि हाउ उसको टॉर्चर करते थे, कैसे उसको लिपस्टिक लगाते थे, देयर इज आल्सो देयर टू डिफरेंट थिंग्स हियर कि उन्होंने कहा है कि शाकिरा बच्चे को मॉलेस्ट करती थी और फिर उसको प्यार भी देती थी। साइकोपैथ होंगे कोई, वो ड्रामा देखने के बाद आई थिंक, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस ड्रामा में बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट मुझे स्पेशली जो वो समीर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मुझे यू नो अपील करता, मतलब कि वो मैं चाहता हूँ कि वो ड्रामा देखूँ। एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ड्रामा ऑल्सो, कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्लॉट भी अच्छा है, एंड आई थिंक ट्रांसजेंडर के प्लॉट को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया भी गया है। इट्स नॉट ट्रांसजेंडर बस ऐसा ही पैदा नहीं हो जाते, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी होता है किसी न किसी चीज़ का, जैसे कि यहाँ पर भी हैं हमारे एक इनके खास दोस्त, बहुत सारे हैं वो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि देयर आर मेनी थिंग्स और ड्रामा। नहीं लेकिन कभी कभी है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स आई फील के ये पहले बन गए, बाद में दे लुक फॉर अ रीजन टू सपोर्ट देयर डिसीजन, कभी कभी मुझे ऐसे फील आती है, कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं एक्चुअली दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ नॉर्मल ऑडियंस। नेम ऑफ द गाय जिसके बारे में बोल रहा था इनका, लेकिन मुझे लगता है उनके अलावा भी, हाँ नहीं मैं उनके बारे में क्या बोल रहा हूँ कि वो नहीं थे,
उन्होंने बस वो एक अपनाया है अपने एक फेम के लिए और अपने एक करियर के लिए उन्होंने अपनाया है वो. ही इज वेरी फेमस यहाँ पर, बट आई डोंट वांट टेक द नेम बिकॉज़ वो इंसल्ट हो जाएगा. वो नहीं, उनके साथ साथ ये तो इट्स नॉट अ सीरियस केस, बट आई हैव सीन मोर इंटेंस. एक्चुअली हैज द प्रॉब्लम, बट व्हेन आई वेंट टू इनके घर जब गया मैं, माय गुडनेस मैन, आई वाज सो स्केर्ड. आई वाज सो वेरी स्केर्ड. लाइक देयर वाज वन क्लोजेट जब मैंने ओपन किया, सारे डिसेंडर लहंगे वहंगे वगैरह लाखों के हज़ारों के सामने का क्लोजेट खोला, सारे शर्ट पैंट वगैरह टी शर्ट्स वगैरह, लाइक सारे वहाँ पे विक्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे वो पड़े हुए हैं, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, वहाँ पे शेविंग क्रीम पड़ी हुई है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स पड़े हुए हैं, मेन का भी, वेमेन का भी, बहुत. इनका एक इतनी बड़ी रूम है, उसमें सिर्फ वार्डरोब है इतनी बड़ी रूम में. एंड जो घर की अगर बात करें, उनके साथ आप डिस्कशंस में बैठो, फॉर अ वाइल यू विल फॉरगेट वेर यू आर. यू विल लाइक माई गुडनेस क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉट आर यू एक्चुअली स्पीक, हुआ यू एक्चुअली टॉकिंग टू, द वे दे एक्सप्लेन थिंग्स, द वे दे टेल यू, लाइक ओ माई गुडनेस. एक थी वेन आई न्यू आई पर्सन आई न्यू आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, तो मैंने बोल रहा था कि यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने उनको बोला कि देखो ये घर को मैंने किराए का घर है ये, इसको मैंने इतने पैसे देके सजाया है, यहाँ पे कुछ लाखों के पैसे खर्च किए हैं मैंने घर, एंड वो घर किसी बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं उससे कम नहीं है. वेरी बाहर से दिखेगा बहुत मामूली घर, अंदर से एकदम पॉश लुकिंग घर, हर एक चीज़ वेल थॉट उसमें. खैर जो सिटिंग लाइक दिस, एंड वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरी अम्मी यहीं पे हैं, बोल रहे थे. मैंने बोला अच्छा अच्छा अम्मी यहीं पे हैं, अम्मी कब से आती हैं यहाँ पे? तो हो गया कुछ 5 साल से अम्मी यहीं पे हैं, तो मैं भी यहीं, मैं जस्ट बिकॉज मेरी अम्मी से बहुत क्लोज हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मेरी अम्मी वहाँ पे. बोला बाद में ठीक है, अच्छा अम्मी कहाँ पे हैं? बोला वहीं पे पिछले का तो खबरस्तान है. एंड शी सेज लाइक वो खबरस्तान के पास से उन्होंने घर लिया है, एक रोड है वहाँ पे, सामने खबरस्तान है वहाँ पे, तो वहीं पे उनकी अम्मी को दफनाया गया है, व्हाट शी सेड. एंड इसीलिए शी इज़ वेरी क्लोज वहाँ पे रहते हैं, शी लिव्स अलोन देयर, अकेले रहते हैं वहाँ पे. लाइक देख के मेरा तो भाई क्या है ये, है क्या. एंड मेरा एक पर्सनालिटी ऐसी है ना कि जब मैं किसी को कुछ पूछता हूँ पर्सनल सवाल, उनको लगता नहीं कि मैं उनकी पर्सनल प्राइवेसी इन्वेट कर रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं एज ए क्यूरियस मैन, एक प्यार मोहब्बत से कुछ पूछना, कुछ जानना, क्यूरियस हूँ इसमें. एंड आई केप्ट आस्किंग थिंग्स, लाइक थोड़े 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 निकलते गए फैक्ट्स, लाइक बाप रे बाप. और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है. मुझे लगता है कि मैं इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल है. कभी कभी बैठ के सोचता हूँ, मैं तो सोचना ही नहीं इसके बारे में, जिस गली नहीं जाना तो उसके बारे में सोचना क्यों, छोड़ देते हैं. अभी देख के इन्होंने जो बोला था पता चला है यहाँ से. हाँ वो एक पीछे होता है, दैट हैपन्स वेन यू एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट इन द चाइल्डहुड. एंड बेसिकली वन कॉमन थिंग वॉट आई हैव नोटिस्ड इन एवरीबडी हु हैव टर्न ट्रांसजेंडर आफ्टर ग्रोइंग अप इज उनका शोषण हुआ है. They have been molested as children, and to an extent के बहुत ज़्यादा लड़कों को बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़के लड़कियों की नहीं, लड़कों की गैस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे women उनको, या फिर women नहीं, men चाचा हो जाए, मामा हो जाए, या फिर जो भी हो जाए, ये उनको molest करते थे बचपन में, इतनी हद तक, मतलब बहुत हद तक मोलेस करते थे. और वो बच्चों को पता तक नहीं कि क्या कर रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, उनको नहीं पता उनको. एंड वो बोल नहीं सकते, किसी को शर्म आती है. एंड देन अगेन दे डेवलप द सेम थिंग. वो सोच के, इंसान का दिमाग है ना, मतलब 100 सुनामी 100 टोर्नेडो से भी ज़्यादा ताकतवर होता है. इसको आप जिस दिशा में आप इसको आप यूज़ करोगे, उसमें वो डीप चला जाता है वो, एंड देर इज़ नो एंड टू दैट डेप्थ. तो यहाँ पे बच्चे भी क्या होते हैं, सोच के ऐसे कुछ होते हैं, शायद वही वाला कुछ होगा. स्मॉल इंसिडेंट विद मी, आई हैव नेवर शेयर्ड विद एनीवन. मैंने किसी को नहीं, आई होप कि मेरी फैमिली ना देख रही हो, अगर देखी तो मतलब स्कूल डेज का टाइम है, मतलब कि मैं गोइंगपुर, जो हम जहाँ पर हम अब रहते हैं, यहाँ पर मेरे नानी नाना वगैरह मामू वगैरह यहाँ पर रहते थे, और हमारा घर PNT कॉलोनी में था. सो मैं आता जाता रहता था, बस में ट्रैवल करता रहता था कुछ कामों से वगैरह. एक वक्त मेरे मॉम के काम से मैं यहाँ पर आया था, फिर यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा चल के गया, हमारे यहाँ पर क्रॉस है, वहाँ पर एक बस स्टैंड है, बस में बैठ गया मुझे उतरना है PNT कॉलोनी में. मैं बैठ गया, मेरे बाजू आया एक बंदा और वो बैठ गया.
वॉज इल्ड, मतलब कि एज था, मतलब कि समझ जो 40 ईयर्स का होगा वो बंदा, ही जस्ट केम और मैंने टिकट ले ली. मैं सिर्फ बैठा हूँ, मेरे पास वो उस वक्त एक ब्लैक, मतलब कि सैमसंग के कीपैड के फोन आते थे ना, ब्लैकबेरी टाइप वैसा एक फ़ोन था, मैं बस यूज़ कर रहा था. और ही वॉज जस्ट सिटिंग लाइक दिस, और उसका हाथ बस ऐसे था मेरे ऊपर. ओके, मैं अभी बगल में है, सीट छोटी है, तो आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग. तो उसके बाद ये हाथ ऐसे आया मेरे ऊपर. ओके, फिर भी मैं चुपचाप बैठा था. और मुझे बस में बैठने की आदत क्या है कि मैं क्या करता हूँ, अपने पैर दो भी आगे वाली सीट पर खड़ा के ऐसा लाई करता हूँ वैसा. तो जैसे ही उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा पैर रखे, मैं ऐसा बैठ गया, उसका हाथ मैंने, मुझे हाथ मारा था. तो फिर अगेन उसका हाथ मेरे शोल्डर पे आया, फिर मेरे पैर के ऊपर आया, और फिर ऐसे नीचे जा रहा था हाथ मेरा. ओके, अंटिल वो उस वक्त तक मैं यहाँ पर, वो जो हमारा रेलवे गेट है, मतलब क्या लोगों को नहीं पता होगा, मैं बोल रहा हूँ कि आधा रास्ता हमारा था उस वक्त. तो बस आया, सो मैंने सोचा कि भाई कुछ गड़बड़ है. तो मैंने बस क्या किया, उसको देखा तो वो कहीं और देख रहा है, बस उसका हाथ चल रहा है यहाँ पर. ओके, जैसे ही मुझे फील हुआ कि ये गड़बड़ है, मैंने क्या किया, हाथ ढकला, उठा, सीधा जाके बस के नीचे उतर गया. क्योंकि उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मतलब कि हमको पता है कि क्या है, लेकिन वो मर्द बना कर रहा है, मर्द कर रहा है. तो वो जस्ट शॉर्ट कि मुझे, मैं जब बस के नीचे उतरा तो मैं हाँप रहा था, वो एक सांस चल रही थी मेरी कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. और मैं इतना दीवाना हो गया कि मैं बस वहीं पर खड़ा रहा. उसके बाद मैंने बस वगैरह नहीं पकड़ी, मैं डर गया था. वहाँ से लेके घर तक मैं चलते हुए गया, और बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में था. और मैं शायद उस वक्त एक 14 या 15 साल का हुआ हूँ, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, शायद SLC कुछ, SLC या 9th standard में कुछ था होगा मैं. सो बहुत दिनों तक वो मुझे इफेक्ट कर रहा था कि आखिर इसने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया. लेकिन अब वो चीज़ के बारे में हमें आइडिया मिलता है कि अब वो एक्चुअली हमारे साथ ऐसे हुआ था. उस जमाने में आप बोलते पीडोफाइल, वी डू नॉट नो, अभी समझ में आ रहा पीडोफाइल क्या होता है एंड हाउ इट अफेक्ट्स द माइंड एंड हाउ बच्चा बड़े होने के बाद भी किस तरह से उसका अफेक्ट होता है, उसकी सेक्शुअल लाइफ में कितना अफेक्ट होता है उसको, और उसकी जो जनरल, जब उसके खुद के बच्चे होते हैं तो वो उसके साथ, उनके साथ बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, वो भी हो सकता है वहाँ पे. अगेन ऐसे इशूज़ के ऊपर बनना पाकिस्तान के अंदर, इट्स हैट्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल. और ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं पहले, मैंने जैसे बोला था खुदा के लिए, और एक मूवी आई थी ना, वो होना था प्यार इनकी आतिफ असलम की, वो मूवी में दिखाया गया था, वही इशू को वहाँ पे टच किया गया था वहाँ पे. तो ऐसे इशूज़ बेसिकली हम देखना चाहते नहीं हैं, हम उसको नकार देते, इग्नोर कर देते हैं. बट अगेन हैज़ टू बी डिस्कस्ड, बट अगेन लेट्स सी इज जहन शरीफ हाउ इट टर्न्स आउट. एंड Yeah, so this was our reaction to Shakra, Yumna Zaidi ki clip, and I think it's quite good. Yumna Zaidi ka jo starting ka part tha, mujhe bahut acha laga, wo jis tarike explain the, uske baad it was a normal, like a good one, but starting jo jaise unka introduction hua, the way she was delivering her dialogue, it was an amazing thing. And iske baare mein aur dekhenge to aur janenge, bhai hum log andar baithe hain. So this was our reaction. Jane se pehle channel ko subscribe ki, notification bell ring ki, for more entertainment you can follow us on Instagram. Ski details and at the end, this is Mohammad Shabiz. Good night. Signing off.